सेवन स्टार किचन को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन अवश्य दबाएं। हेलो एवरीवन, सेवन स्टार किचन पर आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पोहा नमकीन। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। इसके लिए हमें चाहिए होगा तेल 4 चम्मच, लाई या मुरमुरा 3 कप, सिंगदाना या मूँगफली 1/4 कप, कढ़ी पत्ता या मीठी नीम 4 से 5, हींग 1/4 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च 1/2 चम्मच, आलू भुजिया नमकीन 1/2 कप। तो चलिए मुरमुरा नमकीन बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 4 से 5 चम्मच तेल गरम कर लेंगे। और अब इस तेल में हम 1/4 कप मूँगफली डालेंगे, मूँगफली यानी सिंगदाना डालेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। मूँगफली को भुनने में लगभग 1 से 2 मिनट लगेगा, इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। मूँगफली यानी सिंगदाना पक चुका है, अब हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे और कड़ी पत्ते को भी हम लो फ्लेम पे पका लेंगे। कड़ी पत्ता फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें 1/4 चम्मच हींग डालेंगे। अब इसमें हम 1/2 चम्मच करीब हल्दी डालेंगे और हल्दी डालते हम गैस ऑफ कर देंगे क्योंकि हल्दी जल सकती है। और अभी हमने गैस ऑफ रखा है, अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। और अब हम इसमें 3 कप मुरमुरा डालेंगे और मुरमुरे को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब जो ये मुरमुरा है, इसमें हल्दी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। और अब हम इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे और लाल मिर्च को भी मुरमुरे में अच्छे से मिक्स कर देंगे। लाल मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार डालें। और अब हम इसमें आलू भुजिया मिला रहे हैं 1/2 कप। आप अपने पसंद की कोई और नमकीन भी यूज़ कर सकते हैं। और आलू भुजिया डालने के बाद भी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस हमारी पहले से ऑफ है। और ये देखिए, हमारी टेस्टी और क्रंची मुरमुरा नमकीन बनकर तैयार है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप ये कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।